तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं 2020 के आखिरी मंथ दिसंबर में और टाइम आ गया है टॉप 5 न्यू एप्स ऑफ दिस मंथ के न्यू एपिसोड का, जिसमें आज आपको मिलने वाले हैं पांच बढ़िया एप्स जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो वो एप्स कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सिट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी ऐप्स में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सारे ऐप्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से ही उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो जो इस लिस्ट में पहला ऐप है उसका नाम है बिटलिट, और ये ऐप मैं कहूँ तो एक तरह से न्यूज़ टाइप का ऐप है। बस फर्क इतना है कि इसमें आपको प्ले स्टोर के कस्टमाइजेशन वाले ऐप्स की न्यूज़ देखने को मिलेंगे। मतलब न्यूज़ नहीं, मतलब वो सारे डिटेल जो एक प्रीमियम ऐप के लिए आपको चाहिए होते हैं, जैसे कौन से प्रीमियम आइकन पैक या वॉलपेपर का कहाँ गिव अवे चल रहा है, तो आप उसका पूरा डिटेल यहाँ पे न्यूज़ वाले सेक्शन में देख सकते हो। वॉलपेपर्स वाले पार्ट में आओगे तो कौन से वॉलपेपर ऐप में कितने वॉलपेपर नए ऐड हुए हैं या कौन सा नया वॉलपेपर ऐप प्ले स्टोर पे आया है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम आइकन पैक में भी है कि आपको नए नए आइकन पैक के डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, कौन सा प्रीमियम आइकन पैक सेल पे है या किसमें डिस्काउंट है या किसका गिव अवे हो रहा है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विजिट्स में भी सेम है, आपको यहाँ पे सारे विजिट्स के पूरा डिटेल देखने को मिल जाएंगे। और KRWP में भी आपको एकदम सेम वैसा ही मिलेगा, जैसे कोई सा भी प्रीमियम KRWP वाला जो प्रीसेट है वो देखने को मिल जाएगा, जो प्ले स्टोर पे ऐड हुआ है उसके सारे डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप कस्टमाइजेशन का शौक रखते हो तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो जो इस लिस्ट में दूसरा ऐप है उसका नाम है डिजाइन कीबोर्ड। अब अभी तक मैंने टॉप 5 ऐप वाले सीरीज में बहुत सारे कीबोर्ड के बारे में बताया हुआ है, ये कीबोर्ड भी मुझे बहुत सही लगा तो नॉर्मल सी बात है कि इसीलिए मैंने इसे आज के सीरीज में ऐड किया। तो आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे टैप कर देना है, फिर यहाँ पे परमिशन के लिए आएगा, आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे इसके सारे परमिशन को ग्रांटेड कर देना है। फिर कुछ इस तरीके का आएगा कि चूज योर कीबोर्ड थीम, सेलेक्ट थीम टू सी अ प्रीव्यू, नेक्स्ट पे टैप करना है तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे जिफ या एनिमेटेड आप कह सकते हो कि मतलब यहाँ पे थोड़ा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फोटो जिफ, यहाँ पे डिजाइन, कलर, माय थीम, सेटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे मैं अगर एमोंग अस वाला पे टैप करूँ जो आर यू इम्पोस्टर लिखा हुआ है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो कीबोर्ड था वो एकदम एनिमेटेड कीबोर्ड एमोंग अस के स्टाइल में देखने को मिल गया। जो पूरा कीबोर्ड का इंटरफेस था वो एकदम एमोंग अस गेम की तरह देखने को मिल जा रहा है, जो बहुत ही कूल सा लुक देता है। तो आपको नॉर्मली फिनिश पे टैप करना है, जैसे ही आप फिनिश पे टैप करोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड चूज करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पे डिजाइन वाले पे टैप कर देना। अब जैसे आप टैप करोगे तो कहीं भी आप कुछ टाइप करने के लिए कीबोर्ड को ओपन करोगे तो आपका वो डिजाइन वाला ओपन होगा और ये देखने में काफी कूल सा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में एकदम एमोंग अस का जो रहता है गेम टाइप का वो फील आएगा। बाकी यहाँ पे कुछ बटन भी आपको एमोंग अस के टाइप देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्पेस की हो गया, डिलीट, शिफ्ट, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। इमोजी वाले पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया इमोजी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें और भी एक्स्ट्रा इमोजीज देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे इमोजीज से जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बनते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो काफी कूल से लगते हैं। इसके अलावा इस कीबोर्ड में बहुत सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, अगर आप फोटो या जिफ और भी कोई ट्राई करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन इसमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक कस्टमाइज कीबोर्ड, एनिमेटेड कीबोर्ड और मतलब काफी दिखने में जो कूल सा लगे वैसा कीबोर्ड ट्राई करना चाहते हो अपने फोन में, तो इस कीबोर्ड को एक बार जरूर ट्राई करना। जो इस लिस्ट में तीसरा ऐप है उसका नाम है वॉल्यूम स्टाइल। अब अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 2-3 ऐप जो इससे रिलेटेड है मैंने बताया हुआ है, जिसमें आप अपने वॉल्यूम के जो स्टाइल को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा मुझे यूनिक लगा क्योंकि इसमें आपको नॉर्मली किसी फोन के डिजाइन तो मिलते नहीं है, लेकिन इसमें आपको सुपर हीरो से रिलेटेड और बहुत सारे गेम से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे चार परमिशन के लिए आएगा, तो आप इसके चारों परमिशन को फटाफट ग्रांटेड कर देना। जैसे आप इसके सारे परमिशन को ग्रांटेड कर दोगे तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस आएगा, कस्टमाइज योर वॉल्यूम स्टाइल्स स्टाइल, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टाइल्स, स्टाइल सेटिंग का आ जाएगा। तो सेलेक्ट स्टाइल पे आप टैप करोगे तो आपके पास चार ऑप्शन मिलेंगे, नियोन्स, ग्लिटर्स, गेम्स और सुपर हीरोज। तो यहाँ पे मुझे सुपर हीरो और गेम्स वाला जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत ही कूल सा लगा। जैसे अगर आप सुपर हीरो पे टैप करते हो तो यहाँ पे ज्यादा तो नहीं, जैसे स्पाइडरमैन, मिनियंस, बैटमैन, आयरन मैन, सुपरमैन और यहाँ पे वंडर वुमेन का मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आयरन मैन पे यहाँ पे एक्टिव पे टैप कर देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे अपने वॉल्यूम पैनल को यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पे जो स्टाइल है वो देखने को मिलेगा, टोटली पूरा आयरन मैन के स्टाइल में। और यहाँ पे गेम्स में भी आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गेम के यहाँ पे डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। इसमें मुझे फेवरेट एमोंग अस वाला ही लगा क्योंकि एमोंग अस पे आप अगर क्लिक करके सेट करते हो तो कुछ इस तरीके का आपका एमोंग अस वाला पूरा डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जो काफी कूल सा लगता है। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट यहाँ पे सुपर हीरो और गेम वाला ही सेक्शन था। तो अगर आप भी इनके फैन हो, गेम या सुपर हीरो का
डिजाइन अपने वॉल्यूम पैनल में पाना चाहते हो तो आप इस ऐप को एक बार जरूर ट्राई करना। ऑलराइट, तो जो इस लिस्ट में चौथा ऐप है वो है वॉल्यूम नोटिफिकेशन। मतलब अभी मैंने तीसरा भी वॉल्यूम से ही रिलेटेड ऐप बताया, तो बस फर्क मैं बता देता हूँ कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फ़ोन के फिजिकल वॉल्यूम बटन को यूज करना पसंद नहीं करते हैं, और आजकल इतने बड़े बड़े फ़ोन आ रहे हैं तो मतलब लोग ज़्यादा ये बटन प्रेस करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। क्योंकि बस आपको नॉर्मली इस ऐप को ओपन करना है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो, बस आपको नॉर्मली टच करना है। जैसे आप टच करोगे तो आपका वॉल्यूम पैनल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहीं से कॉल वॉल्यूम, यहाँ पे म्यूट जो भी रखना चाहो, यहाँ पे रिंग वॉल्यूम, सारे को आप यहाँ पे बस एक क्लिक करके यहाँ पे कम ज्यादा जो भी एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो ये बस उन लोगों के लिए है जो अपने फोन के फिजिकल वॉल्यूम बटन को यूज करना पसंद नहीं करते हैं, तो ये ऐप उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऑलराइट, तो जो इस लिस्ट में आखिरी ऐप है वो है Among Us के फैंस के लिए, क्योंकि इसका नाम है Among Us लाइव वॉलपेपर। और ये मैं सही बताऊं तो मुझे बहुत सही ऐप लगा, क्योंकि इसका ओपनिंग इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद से यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। परमिशन के लिए आएगा ग्रांटेड कर देना, दो ऑप्शन मिलेंगे लाइव वॉलपेपर्स और वॉलपेपर्स। तो वॉलपेपर्स तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो इसका लाइव वॉलपेपर वाला ऑप्शन है वो मुझे बहुत सही लगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइव वॉलपेपर्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लाइव वॉलपेपर्स आपको Among Us वाले देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये वाला वॉलपेपर है अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का आपको पूरा ओरिजिनल Among Us वाला फील मिल जाएगा, जैसे कि आप गेम में ही हो, क्योंकि इतने बढ़िया तरीके से इस वॉलपेपर को क्रिएट किया गया है जो आपके होम स्क्रीन पे बहुत ही तगड़ा सा लुक देता है। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम काफ़ी घटिया क्वालिटी है, मतलब बहुत ही पूरा फुल HD में आपको मिल जाएगा ये लाइव वॉलपेपर। तो नॉर्मली आपको सेट लाइव वॉलपेपर पे टैप करना है, और जैसे आप टैप करोगे तो एक ऐड देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जैसे ही आप फिर आएगा सेट वॉलपेपर, तो आप यहाँ पे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन जो भी सेलेक्ट करना है कर लेना, और जैसे आप होम स्क्रीन पे करोगे तो आपका जो लाइव वॉलपेपर है आपके होम स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। और भाई मतलब बहुत ही देखने में बहुत ही औसम सा लगेगा, मतलब जो Among Us के फैन है उनके लिए तो भाई ये एकदम एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया, जो अपने फोन को एकदम Among Us की तरह कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये चीज उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ये थे टॉप 5 न्यू एप्स ऑफ दिसंबर 2020। आई होप ये एप्स आपको पसंद आए होंगे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये एप्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन पांचों एप्स में से कौन सा ऐप आपको बढ़िया लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो Among Us के काफी बड़े वाले फैन हैं, जो कस्टमाइजेशन का शौक रखते हैं, या जो अपने वॉल्यूम पैनल में एकदम सुपर हीरो वाला लुक पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे टैप कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग टेक और कस्टमाइजेशन वाली वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, सी यू सून।